बिहार भारत का वो राज्य है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इसे मठों की भूमि भी कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो बिहार राजनीति को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है और इसलिए बिहार को लेकर लोगों का नजरिया भी थोड़ा अलग है, लेकिन ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ ऐसी कई स्मारक हैं जो देखने लायक हैं। यूं तो दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन आप कभी बिहार आएंगे तो जान पाएंगे कि बिहार में भी अजूबों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। ऐसे में चलिए आपको इस वीडियो में बिहार के एक ऐसे मकबरे के बारे में बताते हैं जहां सभी धर्म जाति के लोग आते हैं अपनी परेशानियों का हल ढूंढने, और उन्हें उनकी परेशानियों का हल मिलता भी है। बिहार के गया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर शेरघाटी अनुमंडल के हमजापुर गांव स्थित हजरत कमर अली सुल्तान मकबरा अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। मोरहर नदी के किनारे बने इस मकबरा को शेरघाटी का ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल कालीन शासक औरंगजेब के द्वारा इस मकबरे का निर्माण कराया गया था, मतलब कि उसी समय इसे बनाया गया था। आपको बता दें कि कमर अली और सुल्तान अली की कब्रें 400 साल से अधिक पुरानी है। दो अली मुगल बादशाह औरंगजेब के सेनापति थे जो यहाँ सेना के जवानों के रूप में आए और यहीं पर बस गए। ये गया का मकबरा इतना खास है कि यहाँ इस मकबरे का इतिहास जानने के लिए पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी कई बार आ चुके हैं। साथ ही इसके संरक्षण की बात कही है। कहा जाता है इस मकबरे के निर्माण में जो कलाकारी पेश की गई है, जो भी कला दिखाई गई है, वो अफगानिस्तान के कला का बेहतरीन नमूना है। आपको बता दें मुगल कालीन शासक के दौर में भारत में जितने भी मस्जिद या मकबरे बनाए गए उसी तर्ज पर इस मकबरा का निर्माण कराया गया था। इस मकबरे को बनाने में एक भी सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मकबरे को बिल्कुल ही बिना सरिया के बनाया गया है। आज इस मकबरे में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, साथ ही दूर दूर से भी यहाँ लोग आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। सच्चे मन से याद करने से यहाँ लोगों की मन्नतें भी पूरी होती है। ये मकबरा हिंदू मुस्लिम की एकता का एक मिसाल है। आपको बता दें खास बात तो ये है कि यहाँ सभी धर्म के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और उनकी परेशानी इस मकबरे में आने से दूर भी होती है। कहा जाता है अपनी परेशानी को दूर करने के लिए शेरशाह सूरी भी यहाँ हाजिरी लगाने आया करते थे। कई दिनों तक शेरशाह सूरी का शेरघाटी में ठहराव हुआ करता था और उनका सामना एक शेर से हुआ था। शेरशाह सूरी अपनी तलवार से शेर को दो टुकड़े में कर दिए थे, जिसके बाद से गया के इस शहर का नाम शेरघाटी पड़ गया। यहाँ पर लाखों की संख्या में हर दिन लोग आते हैं और अपनी परेशानियों को इस मकबरे में माथा टेक कर दूर करते हैं। इस मकबरे का इतिहास को जानकर पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। इस मकबरा को शेरघाटी का ताजमहल भी कहा जाता है। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर क्यों इस मकबरे को ताजमहल कहा जाता है, तो आपको बता दें क्योंकि यह मकबरा मोरहर नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। देखने में भी बिल्कुल ही ताजमहल के जैसा ही दिखता है। खास बात तो यह है कि यहाँ सभी धर्म जाति के लोग बहुत ही दूर दराज से आते हैं, उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। ये बहुत ही पुराना मकबरा है और यहाँ शेरशाह सूरी का भी आगमन हो चुका है। शेरशाह सूरी के नाम से ही शेरघाटी शहर का नाम पड़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।